इंसानी जिस्म में कितने जोड़ होते हैं? अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, देन कीप ऑन वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यू ऑल एंड पीस अपॉन ह्यूमैनिटी। माय नेम इज़ डॉक्टर मुजीब मुर्शिद एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मेरी जानिब से प्यार और मोहब्बत भरा सलाम मेरी तमाम फैमिली के लिए। आप जो भी हैं, आप जहां भी हैं, आप सब मेरी फैमिली हैं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छा होगा एंड आई जस्ट प्रे कि सब बहुत अच्छा रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, इस चैनल पर हम इस्लाम का एक मुस्बित पहलू उजागर करते हैं और जदीद साइंसी तहकीकात को कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो चलिए, अब बातें बहुत हो चुकी हैं, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जैसा कि आज की वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा, आज हमने इस बात पर डिस्कशन करना है कि इंसानी जिस्म में कितने जोड़ होते हैं। इस बात का तो सबको इल्म है कि इंसानी जिस्म के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं और नौमौलूद बच्चे के अंदर 270 हड्डियाँ होती हैं। मगर जब बात आती है जोड़ों की तो इसके बारे में किसी को प्रॉपरली इल्म नहीं है कि इंसानी जिस्म के अंदर कितने जोड़ होते हैं, क्योंकि जो जोड़ हमें दिखाई देते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। सिर्फ हमें हमारी कोनियाँ, घुटने और उंगलियों के दरमियान वाले जोड़ ही नजर आते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारी जो खोपड़ी है, स्कल जो है, इसके अंदर बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे से, जिन्हें हम बज़ाहिर नहीं देख सकते। सही मुस्लिम की किताब नंबर 12 की हदीस नंबर 67 में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नबवी है, हर बनी आदम 360 जोड़ों पर तख्लीक किया गया है। इस हदीस से हमें मालूम चला कि इंसानी जिस्म के अंदर 360 जोड़ होते हैं। अब बात करते हैं आज की मेडिकल साइंस की, कि क्या आज की मेडिकल साइंस भी यही बात मानती है कि इंसानी जिस्म के अंदर 360 जोड़ होते हैं। कनाडा के शहर वैंकूवर में इंडिजिनस हेल्थ मेजरमेंट ग्रुप की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग का टॉपिक आर्थराइटिस था। इस मीटिंग के अंदर ये बात कही गई कि इंसानी जिस्म के अंदर 360 जोड़ पाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। इसके अलावा बहुत से डॉक्टर्स ये बात मानते हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर 360 जोड़ होते हैं, जिनमें से कुछ मशहूर डॉक्टर्स का नाम मैं यहाँ पर लूंगा। मिनियापलिस के ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर डगलस ए बैकर, स्पेशलिस्ट इन इंटरनल मेडिसिन MD रेमंड डी मटर और PhD डॉक्टर ट्रेसी एलिसन, इन सबका यही मानना है कि इंसानी जिस्म के अंदर 360 जोड़ पाए जाते हैं। अब बात यह है कि मेडिकल साइंस को ये इल्म कब हुआ कि इंसानी जिस्म के अंदर 360 जोड़ होते हैं? मेडिकल साइंस तभी ये बात जान सकती है जबकि इंसानी जिस्म को काट कर उसका मुआयना किया जाए, उस पर स्टडी की जाए, यानी कि जब सर्जरी की शुरुआत हुई उसके बाद जाकर एनाटॉमी का प्रॉपर इल्म मेडिकल साइंस को मिला। तो सर्जरी की शुरुआत 1700 सदी में हुई। बाबाए सर्जरी, सर्जरी के फादर स्कॉट्समैन जॉन हंटर हैं, जो 1700 सदी के एक डॉक्टर थे। इनके बाद से जदीद सर्जरी के दौर का आगाज हुआ, यानी मॉडर्न मेडिकल साइंस को ये इल्म 1700 सदी में हुआ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मॉडर्न सर्जरी के दौर के आगाज से 1100 साल पहले ये इल्म दे दिया था कि इंसानी जिस्म के अंदर कितने जोड़ होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से आगाह कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और जाते जाते एक छोटी सी बात आपको याद दिलाता चलूं, जिंदगी में कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, कितने ही मसाइल क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कल करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सुन्नत भी है और सदका जारिया भी, एंड गेस व्हाट, यू लुक गुड टू। दिस इज मी डॉक्टर मुजीब मुर्शिद साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम यू ऑल एंड पीस अपॉन।